आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में इंक्लूडेड है, मैथमेटिकल फिजिक्स। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है वो पहले हम लोग देख लें। सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, देन लैपलास इक्वेशन इन प्रॉब्लम्स इन रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सिमेट्री, वेव इक्वेशंस and its solution for the vibrational modes of stress strain। ये हमारे तीन टॉपिक्स हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इस लेक्चर सीरीज को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड तो तीन से चार वीडियोस में हम लोग कंप्लीट करेंगे, टोटली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जिससे भी इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर्स में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन पार्ट में जाएंगे कि व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एज वी नो दैट पार्शियल डेरिवेटिव जो हम लोग जानते हैं डू यू बाई टू एक्स और 2u by 2y इस तरह से हम लोग नोट करते हैं, उसी से रिलेटेड उसी के फॉर्मेशन से हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर द दोज इक्वेशंस विच कंटेन पार्शियल डेरिवेटिव्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। दैट मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे तीन कंटेंट्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज पार्शियल डेरिवेटिव्स, then independent variables, and third is dependent variables. The independent variables will be denoted by x and y, and the dependent variable by x. मतलब जो हमारे independent variable हैं वो x और y के respect में होंगे, और जो dependent variable होगा वो किसके respect में होगा, x के respect में होगा. So we can form partial differential equation and denoted they are formed by sum of the equation। मान लेते हैं z एक है function, इसको हम partial differentiate कर रहे हैं with respect to x, तो 2z by 2x इसे denote हो सकता है, then 2z by 2y y के respect में कर रहे हैं तो ये q हो गया, they are independent, then 2z by 2x square is equal to r, 2z by 2x 2y is equal to s, and 2z by 2y square is equal to t। ये कुछ forms है partial differential equations। Order of partial differential equation is the same as that of the order of the highest differential coefficient of the interval। कि इसका जो highest order होगा उसी का जो order होगा उसी को हम लोग कहते हैं order of the partial differential equation। Next is classification of partial differential equation। How partial differential equations are classified? इसी में से हम लोगों को forms पढ़ने हैं, Laplace equations। एक एग्जाम्पल है स्ट्रेस स्ट्रेन का, जनरली ये यूज होता है साउंड के चैप्टर्स में। तो जनरली यूज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर इन द थ्री फॉर्म, बट वी हैव डिवाइडेड इन द फोर फॉर्म, दैट इज वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट फ्लो, टू डायमेंशनल हीट फ्लो एंड रेडियो इक्वेशंस। They are the classification of partial differential, that is dou 2u by dou t square is equal to c square dou 2u by dou x square। ये second order partial differential equation है। Wave के equations में generally quantum mechanics में इसको हम लोग use करते हैं। Maxwell's equations, electromagnetic theory में भी इसके values use होते हैं। Next is dou u by dou t is equal to c square dou 2u by dou y square। ये one dimensional heat flow है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, देन टू डायमेंशनल हीट फ्लो, टू डायमेंशनल दैट मींस वी हैव टू यूज टू डायमेंशन, दैट इज एक्स एंड वाई, दो कोऑर्डिनेट है, इसलिए dou 2u by dou x square plus dou 2u by dou y square is equal to zero। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लैपलेस और पॉइजन इक्वेशन में सब इसके फॉर्म को दे सकते हैं। रेडियो इक्वेशंस आर डिनोटेड बाय माइनस dou v by dou x is equal to minus l, sorry, plus l dou I by dou t, or this equation can be written as minus dou I by dou x is equal to c dou v by dou t. Now, next considering the equation, this equation,
that is a times dou 2 u by dou x square plus b times dou 2 u by dou x dou y plus c times dou 2 u by dou y square plus f x y u p q. f जो है फंक्शन है x का, y का, u का, p का और q का. इसका वैल्यू अगर जीरो है तो इक्वेशन नंबर वन ले लिए हैं. वेयर ए बी सी मे बी कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ x एंड y. इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज और इक्वेशन वन कैन टेक द फॉर्म ऑफ पाराबोला और इट इज कॉल्ड ए पाराबोलिक इक्वेशन इफ डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो. इलिप्ट को यूज करेगा, इलिप्टिकल होगा इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो एंड इज हाइपरबोलिक इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन. ये तीन फॉर्म है हमारे यहाँ पे, तो इसको हम डिटेल्स में देख लें. पैराबोलिक इक्वेशंस, द वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन जो जहाँ पे हीट कंडक्शन होता है और वन डायमेंशनल होता है, इसके इक्वेशन जो है वो पैराबोलिक इक्वेशन को यूज करते हैं. डो टू यू बाय डो टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर टू यू बाय टू एक्स स्क्वायर इज एग्जाम्पल ऑफ पैराबोलिक पार्शियल इक्वेशन. नंबर टू, इलिप्टिकल इक्वेशन. द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इलिप्टिकल इक्वेशंस. The two-dimensional heat flow equation in the steady state is given by dou 2 z by dou x square plus dou 2 z by dou y square is equal to 0 is elliptical in nature. Next, in elliptical equation, we have two different equation, that is number one Laplace equation. This form hota hai dou 2x by dou x square plus dou 2y by dou y square is equal to 0. Ye hum log electrostat mein padhe hain, isko generally hum log likh sakte hain del square u is equal to zero. इसको हम लोग देख चुके हैं. Next number two is Poisson's equation in which dou 2 u by dou x square plus dou 2 u by dou y square is equal to f x y. इसी equation को हम लोग standard form में आगे पढ़ना है. Laplace equation arises in the steady state flow and Poisson's equation problems. In the potential problems में ये Laplace equation हमारे use होता है. Then in general Poisson's equation arises in the fluid mechanics, electricity and the magnetism and the torsion problems. This problem we use for the physics department. Next, number three is hyperbolic equations. The wave equation denoted by dou 2 u by dou t square. Dou 2 u by dou t square is equal to c square. Dou 2 u by dou x square is the simplest example of the hyperbolic partial differential equation. इसमें कुछ दो important notes भी हैं. If a, b, c in equation 1, जो equation 1 का जो हमारा form था, equation 1 हमारा ये था equation 1, उनको याद हो, ये equation 1 था. So if a, b, c in equation 1 are constant, then the nature of equation 1 will be same for the all values of x and y. मतलब अगर a, b, c जो है वो constant हो, then equation 1 का जो nature होगा वो same होगा सभी value of x और y के लिए. And if a, b, c are function of x and y in equation 1, then the nature of equation 1 will not be all values of x. मतलब अगर इस a function of x and y का, then ये nature जो है equation 1 का, वो same नहीं होगा x और y के लिए. तो अभी तक हम लोगों ने partial differential equation क्या है, इसके order को कैसे find करते हैं और different types of partial differential equation क्या होते हैं वो हम लोगों ने देखा, जिसमें से हम लोग आगे के सिलसिले में separation of variable method, जैसा हमारा syllabus कहता है, separation of variable methods ये use करना है. And then Laplace equation in the rectangular, cylindrical and spherical form symmetry में use करना है. ये generally electrostat में इसके forms हम लोग लेंगे. And then wave equations हम लोग vibrational mode of stress strain में लेंगे. तो generally 3 से 4 lectures में हमारे ये जो partial differential equation का जो syllabus है वो complete हो जाएगा.